इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में जंगलराज की एक और वारदात सामने आई है। इस बार हत्यारी भीड़ ने एक दलित युवक को अपना शिकार बनाया है। मैनपुरी के मोहल्ला हरजीत नगर में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सर्वेश दिवाकर नाम के युवक को मोहल्ले के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। सर्वेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आज मैनपुरी में सत्ताधारी दल की छत्र छाया में पनप रहे एक आनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मनिर्भर होने के लिए कचौड़ी का ठेला लगाने वाले दलित युवक की मार मार कर हत्या करने की खबर आई है। घोर निंदनीय, नामजद अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। मृतक युवक कचौड़ी का ठेला लगाता था। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। लेकिन इस वारदात के बाद फिर से यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी में बदमाशों को कानून का खौफ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।